हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आज का एपिसोड बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रहा, क्योंकि यहां पर भाग्यश्री का वो किरदार हमको देखने को मिला, वो रूप हमको देखने को मिला जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अर्श गुजराल के आगे रजत तो हमेशा खाली चिल्ला कर ही रह जाता है, लेकिन भाग्यश्री ने यहां पर अर्श गुजराल को और आशिका को उसकी असली जगह दिखा दी। और यहां पर इंटरव्यू के दौरान जो धज्जियां यहां पर भाग्यश्री ने उड़ाई है, वाकई में वो देखने लायक थी। अब यहां आने वाले एपिसोड को लेकर भी आप लोग बड़े एक्साइटेड है, और ये आपकी रिव्यूज से पता चलता है। आप सोशल मीडिया पर भी लगातार ये चीज पोस्ट शेयर हो रही है कि यहां पर सभी और रजत की कहानी शुरू होने वाली है। लेकिन यहां पर अब तक जो रजत माफी की गुहार लगा रहा है ना, कभी कांच के आगे जाके प्रैक्टिस कर रहा है, तो कभी कुछ, अब आने वाले एपिसोड में लेटर लिख रहा है। अब यहां अगले ही सीन के अंदर सभी जो है वो माफी की गुहार लगाते हुए नजर आएगी। अब वो इसलिए क्योंकि यहां पर रजत से तो गलती हुई थी, लेकिन सभी से सभी की नजरों में जो है बड़ा पाप होने वाला है। अब यहां पर देखिए, भाग्यश्री और जो राजेंद्र है यानी कि मिस्टर ठक्कर है, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है अब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अब यहां एनिवर्सरी के लिए सभी लोग आपको एक जगह पर इकट्ठा होते हुए नजर आने वाले हैं ठक्कर हाउस के अंदर। अब यहां पर भोसले परिवार से लेकर ठक्कर फैमिली पूरी एक साथ आपको यहां देखने को मिलेगी। हालांकि फंक्शन इतना ग्रैंड नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो ये, जब दोनों फैमिली साथ में आ जाती है तो यहां पर ड्रामा वैसे ही क्रिएट हो जाता है। यहां पर पूरी तरीके से जो ईशा मैम है वो भाग्यश्री से बिठ जाती है और पूरी तरीके से एक फनी मोमेंट हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में यहां पर रजत कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कर सभी को मना लूं और सभी के साथ एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि सभी ने उसकी सबसे करीबी चीज, सबसे प्यारी चीज उसे लौटा दी है, यानी कि उसकी बेटी सही लौटा दी है। अब ऐसे में यहां पर रजत हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है सभी की मदद करने की, उसकी हेल्प करने की, उससे माफी मांगने की। और यहां पर इन सारी चीजों के दौरान हमारी सभी का जो है गला खराब हो जाने वाला है, उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। एंड यहां पर रजत को लगेगा कि ये मौका आ चुका है जहां पर मैं सभी की हेल्प करूंगा और सभी फिर मुझे माफ कर देगी। अब यहां पर रजत ऑलरेडी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि यहां पर सभी तो मानेंगे नहीं मेरी कोई भी बात को, तो यहां पर रजत उसकी हेल्प तो करने वाला है, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ जाएगा। और इस वेडिंग एनिवर्सरी के फंक्शन के अंदर ही जो है हमारी सभी दवाई के रूप में नशा करते हुए नजर आएगी, यानी कि शराब पी जाएगी। अब यहां पर गलती होने वाली है ये रजत की, क्योंकि यहां पर रजत को बिल्कुल नहीं मालूम था किस वेडिंग एनिवर्सरी के फंक्शन के अंदर किसने ये शैतानी की कि पानी की बोतल और जूस की बोतल में जो है किसी ने शराब मिक्स कर दी। अब यहां पर जब सभी उसे पी लेने वाली है, तो सभी यहां पर कभी ऐसे पीती नहीं है, तो यहां पर सभी को उसका नशा भी बहुत ज्यादा होगा, तो यहां पर सभी ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आने वाली है इस फंक्शन के अंदर, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद जो है भोसले परिवार से लेकर ठक्कर परिवार अपने आंख और कान दोनों बंद कर लेगा। क्योंकि यहां पर भोसले परिवार की बेटी और ठक्कर परिवार की बहू ऐसा भी रूप अपना सकती है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। यहां पर भाग्यश्री तो चिल्लाते हुए नजर आएगी, एनिवर्सरी के दिन ये क्या हो गया, घर के अंदर इतना बड़ा पाप हो गया, घर की बहू ने ही नशा कर लिया। अब यहां पर सभी जो है वो नशे के अंदर इतनी डूब जाने वाली है कि वो कहेगी कि कौन सी बहू, किसकी बहू, कौन सी सासू मां। यहां पर सभी लोगों को सभी अच्छा खासा सबक सिखाते हुए नजर आएगी और एक बहुत ही कमाल का फनी मोमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये कहें कि वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो बड़ी धमाकेदार होने वाली है, बड़ी कमाल की होगी, क्योंकि यहां पर सभी हमारी नशे में है। क्योंकि रजत तो अक्सर माहौल खराब करता है, नशे में आकर लोगों पर चिल्ला देता है, भड़क जाता है, लेकिन सभी यहां पर एक अलग अवतार आपको दिखाते हुए नजर आएगी। वेल, यहां पर ये नशे वाला पॉइंट जितना एंटरटेनिंग आपके लिए होने वाला है, नशा उतरेगा उसके बाद ये बड़ा ही धमाकेदार होगा। क्योंकि यहां पर जब पता चलने वाला है सभी को कि मुझे जूस किसने दिया था, रजत ठक्कर ने दिया था, तो सभी को लगेगा कि ये जान पूछ कर इन्होंने किया है ताकि मुझसे बदला ले सके। अब यहां पर सभी जो है अपना गर्मा गर्म मराठी तमाचा जो है वो रजत के गालों पर जड़ते हुए नजर आएगी, और रजत यहां पूरे ठक्कर फैमिली के अंदर अपने गालों पर तमाचे के निशान छुपाता हुआ घूमने वाला है। क्योंकि यहां पर हर कोई उससे पूछने वाला है कि रजत तेरे गाल पर कैसे निशान है, आखिरकार क्या हुआ है। यहां पर अब वो भला बताए कैसे कि नशे के अंदर किसी ने कुछ और नहीं मिलाया था, मैंने ही था जिसने सही को जूस दे दिया था, जिसके कारण सभी नशे में थे। अब यहां पर नेक्स्ट डे इसको लेकर तगड़ा बवाल भी होने वाला है, सभी लोग सभी के ऊपर चढ़ जाएंगे, बोरिया बिस्तर लेकर के नशा किया तो कैसे किया, वेडिंग एनिवर्सरी खराब की तो कैसे की। नाउ यहां पर पॉइंट निकल कर आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला कि रजत यहां पर सभी का साथ देगा या फिर नहीं।
तो यार डेफिनेटली सीरियल का हीरो रजत है, सीरियल की हीरोइन रजत है, सभी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली रजत सभी का साथ तो देगा ही देगा। एंड पहली बार यहाँ पर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर रजत सभी का साथ देते हुए नजर आएगा और भाग्यश्री एक बार फिर से अपना ड्रामा क्रिएट करते हुए नजर आएगी, वो भी फनी वाला। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले एपिसोड के लिए, एनिवर्सरी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।